जीए भुट्टो। सबसे पहले मैं तो जाम खान साहब से, शर्जील मेहमान साहब से तो बार बार मिलता रहता हूँ। जरा मेहरबानी इनके ये जो तस्वीरें हैं ये नीचे करें ताकि मैं आवाम से मुखातिब हो सकूं। नीचे करें। साथियों, मैं एक बार फिर हैदराबाद पहुंचा हूं और खुशी महसूस हो रहा है कि मैं अपने हैदराबाद के भाइयों के साथ, अपने हैदराबाद के बहनों के साथ इस वक्त यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा में मौजूद हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं हैदराबाद के आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, जैसे आपने मुझ पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस में जितवाए और जियाला मेयर मुंतखब करवाया है, मैं हैदराबाद के आवाम का शुक्रगुजार हूं। आप को सबसे ज्यादा अगर किसी शहर को नफरत, तकसीम और तशद्दुद का सियासत देखे हैं तो फिर मेरा हैदराबाद के अवाम इस किस्म की सियासत को मुसलसल देखते आ रहे हैं और उसका नुकसान भी उठाते रहे, कुर्बानियां देते रहे, मगर इस शहर के जो पुरअमन लोग हैं, जो पुरअमन अवाम है, वो कभी पीछे नहीं हटे, वो कभी किसी जालिम के सामने, किसी आमिर के सामने, किसी यजीद के सामने आप कभी अपने सर नहीं झुकाए। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन इलेक्शंस में जो सियासी जमातें हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो, अच्छी तरह पहचानते हो, आप इनकी असलियत जानते हो, आप इनके माजी के बारे में आप वो भी जानते हो, आप तारीख का गवाह हो। आपने देखा कि यही लोग, इन्होंने हमारा शहर के साथ 90 के दहाई में क्या किया वो आपके सामने है। इनका जो तर्ज सियासत है, जिस तरीके वो सियासत करते हैं, वो भी आप जानते हो, पहचानते हो। आप इनके नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ हो। मैं हैदराबाद के अवाम से अपील करता हूं कि आप जरा जायजा करें कि इस इलेक्शन में जब आपके सामने बैलेट पेपर होगा तो बाकी सियासी जमातों का सियासत क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कैसे है। हमारा जो मुखालफीन है वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम के सियासत, वही वो सियासत जानते हैं। कोई सियासी जमात आपको मजहब के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको फिरका वारियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बिला तफरीक आपकी खिदमत करना चाहती है, जो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहती है, जो अवाम के असल मसाइल, जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं।
हम सब आपके साथ मिलके सब एक होके इस शहर को, इस सुबह को, इस मुल्क को एक साथ जोड़ के इन तमाम मसाइल का मुकाबला करना जानते हैं, करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला आपकी वोट के साथ, आपकी मदद के साथ हम ना सिर्फ मुकाबला करेंगे मगर फतह आपकी होगी, फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, फतह इस शहर के अवाम की होगी। आपने अपना वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। यहां अगर एक जमात हैदराबाद की शहर में नफरत और तकसीम का सियासत करना चाहते हैं तो वफाक में भी एक और जमात इस मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। इन्होंने सियासत को अब जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम लेने जानते हैं और इसका नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, इसका नुकसान इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क का वफाक का हो रहा है। मगर इनको फिक्र नहीं, इनको एहसास नहीं। अगर इनको फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है। वो ना हैदराबाद की अवाम का दुख का एहसास करते हैं, ना आपके मसाइल समझते हैं, ना आपके मुश्किलात समझते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पे चौथी बार बैठना चाहते हैं। मैं आपके पास आया हूं ताकि मैं अपने मंशूर के बारे में, जो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है, जो मेरा 10 नुकाती एजेंडा है, ये मेरा पाकिस्तान के अवाम के साथ, हैदराबाद के अवाम के साथ ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह ताला अगर आप मुझे अपना वजीर आजम बनाते हो, अगर मैं वफाकी हुकूमत संभालता हूं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। मैं आपका इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम की जो आमदनी है उसमें ना सिर्फ इजाफा करूंगा, उसको दुगनी करके दिखाऊंगा, दुगनी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं अपने अवाम के लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा और इंशाल्लाह ताला जो मालिकाना हकूक है मैं वो मालिकाना हकूक उस घर में रहने वाले खवातीन को दूंगा। मैं इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के गरीब अवाम को इंशाल्लाह ताला अगर मैं वफाकी हुकूमत संभालता हूं तो इस मुल्क के अवाम को इंशाल्लाह ताला 300 यूनिट बिजली तक मैं मुफ्त सोलर के थ्रू दिलवाऊंगा। मैं हैदराबाद के खवातीन से मुखातिब हूं कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही मगर मैं आपकी खिदमत वैसे करना चाह रहा हूं जैसे एक बेटा अपना माँ की खिदमत करती है। मेरे हैदराबाद के खवातीन को यह बात पहुंचाए कि मैं उनका ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। आपका इंशाल्लाह हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे मगर हम बिला सूद कर्जा उन्हीं खवातीन को देंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, मुआशी तौर पे मजबूत हो सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। हम इंशाल्लाह ताला वफाकी हुकूमत जब हमारा बनती है तो खवातीन के साथ साथ
मैं अपने नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों के लिए जो मुश्किल में है, जो रोजगार की तलाश में है, जो ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, मैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला बेनजीर यूथ कार्ड लेके दूंगा और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता मैं उनका ख्याल रखूंगा, मैं उनको माली मदद पहुंचाऊंगा बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू। जो हमारे मजदूर है, जो हमारे मेहनतकश है, उनके लिए इंशाल्लाह मैं बेनजीर मजदूर कार्ड लेके दूंगा ताकि हम अपने मजदूरों को उनका अपना मेहनत का सिला दिलवा सके। मैं इंशाल्लाह ताला अपने मजदूरों के लिए ना सिर्फ वो मजदूर जो हुकूमत के इदारे में मगर वो भी जो प्राइवेट सेक्टर में, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो किसी दुकान पे काम करते हैं, जो किसी के घर में रह के काम करते हैं, तमाम मजदूरों का हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड मिले और इंशाल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनका अपना पेंशन भी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, उनको अपने बच्चों का तालीम, सेहत के जो मसले हैं, इंशाल्लाह ताला मजदूर का सिर्फ एक चीज के फिक्रमंद होने पड़ेंगे और वो अपना मजदूरी का तमाम बाकी जो मसले हैं वो बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम उनको मदद पहुंचाएंगे। हम अपने हारियों के लिए भी बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू मदद पहुंचाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला भूख मिटाओ प्रोग्राम के थ्रू यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने बच्चों को स्कूल में हम खाना खिलाएंगे ताकि हम भूख का मुकाबला कर सके। हम साथ साथ ये वादा करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगा और जिस तरीके से हमने मुफ्त इलाज के जो सेहत के इदारे कायम किए हैं हम चाहेंगे कि वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह हम इस किस्म के सेहत के मुफ्त और मयारी इलाज का सहूलत पहुंचा सके। ये मेरे वो 10 वादे हैं जो मैं पाकिस्तान के अवाम से कर रहा हूँ, जो कि हुकूमत बनाने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला इस पे अमल दरामद करूंगा। आप पूछ रहे होंगे कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पैसा इसका बंदोबस्त कैसे करेंगे। एक जो 17 वजारतें हैं जो कि 2015 में डिवॉल्व होके सूबे के पास आना चाहिए थे, वो आज तक वो 17 वजारते वफाक के चल रहे हैं और सालाना उनको चलाने के लिए 300 अरब रुपया जाया हो जाता है। मैं वो 17 वजारते बंद करके वो 300 अरब रुपया हैदराबाद के अवाम पे खर्च करूंगा। आप हैरान होंगे ये बात सुनके कि सालाना पाकिस्तान के अशराफिया को 1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तय किया है कि हमने इशराफिया से ये सब्सिडी छीन के अपने ख्वातीन को दिलवाना है, अपने नौजवानों को दिलवाना है, अपने मजदूरों को, अपने किसानों को ये बेनजीर कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाना है। मैं आपसे, आप सब से दरख्वास्त करता हूं के इलेक्शन में चंद दिन रहते हैं, आपने दिन रात मेहनत करना है और आपने इंश्योर करना है कि तमाम, आपने सबको समझाना है, आपने हैदराबाद में रहने वालों को यह बात समझाना है कि मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है, बाकी आप अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीरे आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके, तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगा के नफरत और तकसीम की सियासत को दफर करें।
तेर पे थप्पड़ लगा के सियासी इंतकाम का सियासत को दफन करें, तीर पे थप्पड़ लगवा के महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करें, तीर पे थप्पड़ लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा, उस शेर का शिकार करवाऊंगा। आपने 8 फरवरी को इस तीर पर मोर लगाना है, तीर पर मोर लगाना है। आपको आपको कहा जाएगा कि सितारा पर मोर लगाए, तो आपने कहना है कि हमें सितारा या सितारे सिर्फ आसमान में अच्छे लगते हैं। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे मोर लगाए, आपने कहना है कि हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पे तालियां बजाने वालों को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे वोट लगाना है, आपने कहना है कि हम रो से पैसा लेने वाले और पाकिस्तान में सियासत करने वाले को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है, तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे मगर तीर पर मोर लगाए। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है, तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, मैं शेर का रास्ता रोकूंगा और तीर पर मोर लगाऊंगा। आपको कहा जाएगा कि किताब पे वोट, किताब पे मोर लगाए, तो आपने कहना है कि हम जो नफरत, जो लोग हमें मजहब की बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं, हम तीर के साथ देंगे। आपसे वोट मांगने से पहले मैं अपने जो तमाम उम्मीदवार हैं आपके सामने हैदराबाद में खड़े हो के इनसे एक हलफ लेना चाह रहा हूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं और जो स्टेज पे खड़े हुए हैं, वो अपना हाथ उठा के इस आवाम के सामने वादा करें, वादा करें कि अगर 8 फरवरी पे हैदराबाद के आवाम आपके लिए वोट करते हैं, अगर आज से लेके तब तक वो आपके लिए वोट मांगते हैं, तो जीतने के बाद आपने इनकी खिदमत करनी है, इनकी बात सुननी है, किसी और की खिदमत, किसी और की बात नहीं, मेरे हैदराबाद के अवाम की खिदमत करनी है, इनके दुख दर्द में साथ देना है। आपने अगर रोजगार के मौके हैं, तो आपने वो रोजगार इस आवाम जो मेरे सामने बैठा है, इनको वो रोजगार देना है, अपने रिश्तेदारों को नहीं, आपके जाने वाले को नहीं, ये हैदराबाद के अवाम को आपने वादा है, पक्का वादा, कच्चा नहीं, पक्का वादा। इन्होंने अब आपके सामने वादा किया है, तो मैं हैदराबाद के अवाम से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि आपके भाई आपके पास आया है आपका वोट मांगने के लिए, आपका साथ मांगने के लिए, यकीनन आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथ देंगे। आप हाथ उठा के वादा करें, वादा करें कि 8 फरवरी को आप तीर पर मोर लगाएंगे, आप तीर पर मोर लगा के मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे। मुझे हैदराबाद का हर सीट चाहिए, मैं हैदराबाद का चप्पा चप्पा में खुद काम करना चाह रहा हूं, सिर्फ तब कर सकूंगा अगर आप तीर पर मोर लगा के मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे। वादा, पक्का वादा आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हैदराबाद में एक बार फिर बारिश होगा, मगर इस बार तीरों की बारिश, इंशाल्लाह ताला तीरों की बारिश। नारे भुट्टो। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर वज़ीर आज़म बना तो मंशूर के 10 नुकात पर अमल करके दिखा